ऑल आर गुड। सो ये वाले फुटेजेस जो हैं ये वेडनेसडे के हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है बाय द नेम द लंच बॉक्स, इनके सैंडविचेस जो है ना वो बड़े मज़े के होते हैं। तो हम लोग को खाना चले गए, हम लोगों ने चना चाट तो नहीं गोलगप्पे भी ऑर्डर कर लिए और सैंडविचेस भी ऑर्डर कर लिए। चाय इन लोगों की बहुत अच्छी थी, सैंडविचेस जो है वो बस ठीक थे और गोलगप्पे भी बस ठीक थे। टाइम को तो गोलगप्पे बहुत मज़े के लग रहे थे, उनका तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। और ये जो खट्टा पानी है ना ये बहुत मज़े का था। सो हम लोगों ने जो है वो गोलगप्पे इन्जॉय किए, उसको खाना शाना हम लोगों ने खाया। बेसिकली मुझे अपनी जो फूफो इन लॉ है ना उनको होस्ट करना था, तो मेरे माइंड के अंदर यही चल रहा था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि मैंने जब कोई काम करना होता है ना मेरे दिमाग के अंदर वो काम फंस जाता है जब तक वो मुझसे हो ना जाए। बिकॉज़ मैं अपने इन लॉज में से किसी को फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट करी थी, तो मेरे ऊपर ना बहुत वो एक अनसेट सा एक प्रेशर भी था जो कि दायम को नहीं समझ आ रहा था लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो मेन्यू जो है वो मैंने दो दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी जो ग्रोसरी है वो भी कर ली। लेकिन एंड पे मेरे साथ हुआ क्या ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंडविच देखने में कोई इतना मज़ेदार लग रहा है ना, और बस ये कि इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं ना उनका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये लोग जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम लोग गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ये जो सैंडविच था ना इसके अंदर भी जिंजर का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो हर जगह का टेस्ट डिफरेंट है, इसका अच्छा क्यों अच्छा है पर डिफरेंट है पाकिस्तानी। सैंडविच वॉज वेरी हैवी और पेट जो है वो अच्छे तरीके से भर गए थे हम लोगों के। इसके अलावा हमें घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो चीज़ें लेते लेते सेंटर पॉइंट से मैंने कुछ फेशियल वाइप्स भी ली और इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी। वैसे कहते हैं कि वाइप्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर योर स्किन, बट स्टिल ऐसे होता है ना कि कभी मस्कारा लगाया हुआ मुंह धोएं तो फिर भी मस्कारा जो है ना वो निकलता नहीं है या फिर नीचे फैल जाता है। खैर यहाँ पर जो है वो एसेंस की मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक ले ली थी, ये भी बहुत अच्छी है। आ चुकी है यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने मंगवाई थी, ठीक है, मीठा बनाने के लिए। ये मीठे के लिए रस हैं, चॉकलेट है, इससे मैंने और क्या क्या चीज़ें बनानी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और के मैंने ग्रोसरी में मंगवाई हैं टमाटर, खीरे, फ्रेश क्रीम, ये है पाइनएप्पल, आलमंड्स, चॉकलेट रस और बाकी ये चीज़ें, ठीक है, इनसे मैं बनाऊंगी मीठा। और मीठे की रेसिपी और बाकी की चीज़ों की रेसिपी भी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। तो अच्छा से यहाँ पे एक रात पहले मैंने डिज़र्ट बना के रख लिया था बिकॉज डिज़र्ट को जितना टाइम दें फ्रिज में उतना ही वो अच्छा बनता है। सो बेसिकली मैं बना रही हूँ कॉफ़ी डिलाइट और ये भी मैंने रेसिपी जो है वो ऑनलाइन देखी थी कहीं से, और दो तीन रेसिपीज़ मिक्स करके ना मैं अपनी कोई रेसिपी बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिल्क 2 से 3 कप्स लिए है, उसके अंदर मैंने शुगर और कॉफ़ी ऐड कर दी है और इसको जो है वो मैंने चूल्हे पे रख के थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसके अंदर जो कॉफ़ी चीनी दोनों हैं वो डिजॉल्व हो जाए अच्छे तरीके से। इस डिज़र्ट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं और ये बहुत आसानी से बहुत आराम से बन जाता है, तो और मज़े का भी बहुत लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे से छोटी सी गलती हुई, मुझे लगा कि 2 पैकेट क्रीम जो है ना वो इनफ होंगे लेकिन क्रीम जो है वो कम पड़ गई थी थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये 200 ग्राम थी लेकिन मेरे पास 300 ग्राम्स होती ना तो ज़्यादा बेहतर रहती। खैर मैंने इसी से काम चला लिया था, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो चीनी ऐड की और इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब जो है अराउंड मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी है। इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी साइड पे, और जो ये दूध वाला बैटर था ना, बैटर क्या था, दूध था जो कॉफ़ी वाला मिल्क था, उसको मैंने एक खुले बोल के अंदर निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा गर्म ही रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर मेरे पास यहाँ पर जो है वो 200 ग्राम्स के करीब क्रीम है जो कि अलग मैंने रखी थी, ठीक है, वो मैं निकाल लूँगी। और इसके अंदर जो है वो मेरे पास ये डेरी मिल्क की जो बड़ी वाली बार होती है ना वो है, आप कोई भी इसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हो, तो चॉकलेट जो है वो मैंने तोड़ के इसमें डाल दी। और जो लास्ट वाला था ना एक क्या कहते हैं इसको यार कसम से, मुझे ना पता नहीं वर्ड्स भूलने लग गए हैं,
आई डोंट नो क्यों, बट मैं उससे बात करते करते वर्ड भूल जाती हूँ. अच्छा खैर, मैंने इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से जो मैंने चूल्हे के ऊपर मिक्स कर लेना है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से. अच्छा यहाँ पे जो है वो गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से बादाम हम डालेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे से बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था तो मैंने फिर इसको साइड पे रख दिया. अब इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो ये है रस. इसमें केक रस भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रस अवेलेबल थे तो मैंने इनको रस ही पहली मरतबा बना के देखा कि ये अच्छा बनेगा या नहीं, लेकिन रस से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था और जो इसकी शुगर है ना वो बहुत बैलेंस्ड थी. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो रस है ना ये बहुत अच्छे तरीके से सोक होने चाहिए. ये जो मिल्क वाला हमने बनाया है ना कॉफ़ी और शुगर का जो मिक्सचर है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने डिप करके तो फिर इसकी लेयर लगानी है. पहली लेयर इसके ऊपर रस की लगेगी, दूसरी लेयर इसके ऊपर लगेगी क्रीम की, तीसरी लेयर इसके ऊपर लगेगी दोबारा रस की, चौथी लेयर इसके ऊपर लगेगी क्रीम की. इसी तरह हमने जितनी आपने लेयर्स बनानी है ऐसे आप रस को डिप कर करके और इसके लेयर्स जो हैं वो बनाते जाएं. मेरे पास यहाँ पे डिज़र्ट ट्रे नहीं पड़ी हुई तो इस वजह से मैं इसी ये जो डब्बा था ना ये स्टोरेज बॉक्स इसी के अंदर बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास नहीं है कोई डिज़र्ट वाली ट्रेस तो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी. खैर जो ये बच गया है ना वो सारा मैंने इसके ऊपर से ड्रिजल कर दिया था, इसके ऊपर जो बाकी क्रीम बची हुई थी तो मैंने इसके ऊपर डाल दी, इसको फैला दिया अच्छे तरीके से. और एटलीस्ट मुझे आई थिंक मेरे 15 या 20 मिनट लगे होंगे ये डिज़र्ट बनाने में, लेकिन ये इतना मज़े का बनता है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने इसके अंदर रस ऐड किए हुए हैं. और फाइनल लेयर जो है वो मैं इसके अंदर इसकी लगा रही हूँ, ये जो चॉकलेट और क्रीम वाला मिक्सचर था ना. मैंने सोचा था मैं जो जो बनाऊँगी वो सब रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैं रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इसी की रेसिपी कर पाई हूँ जो मेन चीज़ थी. फ्राइडे का सुबह का टाइम है और हम लोग चले गए थे नाश्ता करने. यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग जाके हमने पराठे और साथ खाए ऑमलेट, मज़ा आ गया. अच्छा मैंने सोचा तो ये था कि जितना मर्ज़ी लंबा बने ब्लॉग मेरा, लेकिन मैंने सारी जो जो चीज़ें बनाऊंगी ना सबकी रेसिपीज़ मैं रिकॉर्ड करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ. लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि ये वाले फोटोज रिकॉर्ड करने के बाद ना ये आलू वाले इसके फौरन बाद मेरी जो राइट हैंड की उंगली है ना ये आ गई दरवाज़े में और इतनी बुरी आई कि उसके बाद मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं कुकिंग करूँगी कैसे या मेरे से ये चीज़ें बनेंगी कैसे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें निकाल के ना लेआउट की हुई थी जो जो मुझे बनाना था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई. उसके बाद फिर सिर्फ मैंने ये जो मैंने फोटोज रिकॉर्ड किए हुए हैं ना सिर्फ मैंने यही किया, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके चीज़ें मैनेज हुई. दाइम ने मेरे साथ सारा कुछ कराया, आधी चीज़ें उन्होंने बनाई आधी चीज़ें मैंने बनाई और इस तरह हम लोगों का गुजारा तो हो गया. और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज मेरे हाथ की इतनी बुरी हालत हो गई थी, बेचारा स्वेल हो गया था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि चीज़ें आपने प्लान किस तरह की होती हैं लेकिन होता क्या है. पहले हमने सोचा कि खाना हम बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं हम मैनेज करते हैं, तो फिर वी एंडेड अप मेकिंग ऑल ऑफ दिस. इसमें से ये जो काबुली पुलाव है ना ये हम लोगों ने बाहर से मंगवाया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने और दाइम ने मिलके घर पे बनाई थी और शुक्र अल्लाह का कि मैनेज हो गया बिकॉज आई वॉज फ्रीकिंग आउट बिकॉज बिल्कुल एंड टाइम पर जाके ना ये मेरे साथ हो गया. तो ऐसे करते कराते अल्लाह को शुक्र है कि हम लोगों का मैनेज हो गया. अच्छा जी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मेरी उंगली बेचारी जो है ना वो ज़ख्मी हुई हुई है, लेकिन इसी वजह से मैं बाकी की चीज़ें शूट ही नहीं कर पाई. लेकिन ये वाला ड्रेस जो है ना जो मैंने भी पहना हुआ है, ये मेरी फूफो इन लॉ जो हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब वो आई हैं, तो वो मेरे लिए ये वाला ड्रेस, इसके अलावा एक और ड्रेस है पिंक कलर का वो भी मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे हैं दोनों. ये कॉलर वाली शर्ट है, ठीक है, और ये इस तरह से लाइक फुल लेंथ है, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये. तो मैंने अभी शी इज़ स्टेइंग एट ऑफ प्लेस तो मैंने फ़ौरन से ये पहन लिया. मैंने कहा कि मैं उनको पहन के दिखा देती हूँ कि मेरे पे कैसा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपने एफर्ट पुट इन की हो तो यू नो योर, बिकॉज वो मुझे कह भी रही थी कि जब आप पहनोगी तो मुझे लाजमी दिखाना. तो दिस इज़ व्हाट द ड्रेस इज़ लुकिंग लाइक. आई थिंक कि ऐसे प्रेट से तो लेना बहुत आसान है, बट खुद जाना, खुद कपड़ा पिक करना, डिज़ाइन बताना, स्टिच कराना, वो असल काम होता है. सो थैंक यू सो मच पोपो फॉर दिस ब्यूटिफुल ड्रेस, ये वाला भी और जो दूसरा पिंक वाला है ना वो भी. तो
अच्छा जी, यहाँ पे मैं और दाइम ना एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पे मेरे पास जितनी वो ब्रीदेबल नेल पॉलिशेस पड़ी हुई है ना, हमने सोचा कि हम ना पेपर के ऊपर वो लगा के एक टेस्ट होता है वो करते हैं कि भला इसमें से पानी गुजरता है या नहीं। ये नॉर्मल वाली नेल पॉलिश है और ये हमारे पास जो है वो ब्रीदेबल नेल पॉलिश है, ठीक है। एक ये ब्रीदेबल है और ये वाली जो है ना, ये वो है जो मैंने अभी लगाई हुई है, एक ये भी जो है वो ब्रीदेबल नेल पॉलिश है। तो अभी हम ज़रा टेस्ट करने लगे हैं कि ये एक्चुअली ब्रीदेबल है या नहीं है। अगर हुई तो फिर ये वज़ू फ्रेंडली है, यानी आप आराम से इसमें वज़ू कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा वहम हो रहा था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हम ये ज़रा टेस्ट कर लें। और इसका स्वाच कितना प्यारा है ना, कलर्स बहुत प्यारे हैं इसके। हमने पेपर के ऊपर करने की कोशिश की थी लेकिन पेपर से तो पानी सीप ही नहीं कर रहा है, देखें वो वैसे अभी तक ड्रॉप्स वैसे ही पड़े हुए हैं। चलिए बस जाया ना करें। दिस इज नॉर्मल। अगर इसमें से भी ना गुजरा तो ब्रीदेबल एंड ब्रीदेबल, ये दोनों ब्रीदेबल है और ये नॉर्मल वाली है, ठीक है। हिलाओ ना ना। अच्छा सॉरी। ये हम लोगों ने टेस्ट इसका कंप्लीट कर लिया है लेकिन हम लोगों का फाइनल वर्डिक्ट टाइम आपने बताया ही नहीं। फाइनल वर्डिक्ट ये नहीं करती। हाँ जी, ये फेल है, इसमें से पानी नहीं गुजरता, विच मीन्स कि आप ये लगा के वजू नहीं कर सकते। फौरन नहीं गुजरा। फौरन नहीं, ये देखें ये नेल पॉलिश ही लगी हुई है, गीला नहीं है, ठीक है। ये भी नेल पॉलिश लगी हुई है, ये भी नेल पॉलिश है। तो बस चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।